हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्टेरिलाइजेशन तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेलाइजेशन मेथड इसमें हमने मैकेनिकल मेथड कंप्लीट कर लिया था एंड फिजिकल मेथड हम कर रहे थे इसमें सनलाइट ड्राई हीट एंड हीट मॉइस्ट एंड ड्राई हीट तो आज की वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टेरलाइजेशन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अभी हम बात करते हैं हाई वैक्यूम स्टेरलाइजर दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ प्रेशर स्टीम स्टेलाइज़र विद अ वैक्यूम सिस्टम अंडर अ प्रेशर ऑफ ट्वेंटी एट टू थर्टी आई आई बी एस इट इज़ यूजफुल इन तो हाई वैक्यूम स्टेलाइजेशन में क्या होता है कि वैक्यूम सिस्टम के द्वारा जो है वो प्रेशर uh, बनाया जाता है एंड एटी सॉरी ट्वेंटी एट टू थर्टी प्रेशर इसमें रखा जाता है स्टेलाइजेशन ऑफ द फैब्रिक एंड द रबर आर्टिकल तो मोस्टली इसके अंदर जो फैब्रिक्स होते हैं या फिर रबर के जो आर्टिकल्स बने होते हैं उसको स्टेरलाइज किया जाता है स्टेलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द थिएटर यूज एंड जो थिएटर्स uh, में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनका स्टेलाइजेशन भी इसमें किया जाता है नेक्स्ट आता है इसमें टिंडेलाइजेशन इट इज़ द इंटरमीडियंट स्टेरलाइजेशन इट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम फोर द थर्टी मिनट ऑन द थ्री सक्सेसिव डेज इट इज़ यूजफुल इन तो टिंडेलाइजेशन में क्या है इंटरमीडियंट स्टेलाइजेशन किया जाता है मीन्स स्टेरलाइजेशन को बार बार दोहराया जाता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यानी कि स्टेरलाइजेशन में थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद फिर से उसको स्टेरलाइज किया जाता है यानी कि उसको थर्टी मिनट के लिए स्टाइलाइज किया जाता है और तीन दिन लगातार उसको स्टेरलाइज किया जाता है यानी कि थर्टी थर्टीन मिनट के इंटरवल में इसमें स्टेरलाइजेशन किया जाता है स्टेरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन एंड सीरम और इसमें वैक्सीन और जो सीरम होते हैं उनका स्टेलाइजेशन किया जाता है एंड कल्चर मीडिया का इसमें स्टेरलाइजेशन किया जाता है उसके बाद आता है इसमें पेस्टुराइजेशन तो पेस्टुराइजेशन में क्या होता है स्टेलाइजेशन ऑफ मिल्क स्टेलेशन ऑफ वैक्सीन एंड सीरम स्टेरलाइजेशन ऑफ इंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट तो पस्चुराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मिल्क का स्टेलाइजेशन किया जाता है तो इसमें जो इसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसको नष्ट किए बिना इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उसको ही नष्ट किया जाता है यानी कि जो मिल्क में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हुए उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट होते हैं उसको किल किया जाता है तो इसमें मिल्क का पश्चुराइजेशन किया जाता है इसी तरह से वैक्सीन एंड सीरम का किया जाता है और इंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है तो इसमें मेथड आ जाएगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर एंड होल्डर मेथड। तो ये मेथड्स हैं जो कि स्टेजेशन uh, के लिए यूज किए जाते हैं यानी कि हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है कुछ समय के लिए और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और होल्डर मेथड में भी इसको रखा जाता है इसके बाद आता है ड्राई हीट इसमें आ जाएगा रेड हीट फ्लेमिंग इंसनरेशन एंड हॉट एयर ओवन फर्स्ट आता है इसमें रेड हीट तो रेड हीट में क्या होगा बाय होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन फ्लेम अंटिल दे आर रेड होट तो रेड हॉट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को इतने टाइम तक रोकना है कि जब तक जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टेलाइज कर रहे हैं वो रेड ना हो जाए मीन्स ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखना है फ्लेम के ऊपर जब तक कि वो रेड ना, ना हो जाए यानी कि वो रेड हॉट ना हो जाए देन किस लिए यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन ऑफ इनक्यू इनक्यूलेटिंग वायर्स एंड लूप एंड स्टेलाइजेशन ऑफ नीडल्स एंड स्टेलाइजेशन ऑफ फोरसेप इन सब का स्टेलाइजेशन किया जाता है यानी कि नीडल्स का वायर्स लूप का एंड फोरसेप का रेड हॉट फ्लेम पर इसका स्टेलाइजेशन किया जाता है इसके बाद आता है इसमें फ्लेमिंग द ऑब्जेक्ट इज़ पास्ड ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउिइंग इट टू बिकम रेड हॉट इट इज़ यूज इन यानी कि फ्लेमिंग में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट uh, को फ्लेम के सामने लेके लेकर के आते हैं लेकिन उसको रेड हॉट नहीं करते हैं स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप एंड स्टेलाइशन ऑफ माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स जैसे कि ग्लास स्लाइड होता है जस्ट उसको फ्लेम से पास ऑन करते हैं लेकिन उसको रेड हॉट नहीं करते हैं नेक्स्ट आता है इसमें इंसिनरेशन बर्निंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस ऑफ द डिस्ट्रॉइंग द मटीरियल यानी कि इंसिनरेशन में क्या है कि बर्न कर दिया जाता है यानी कि जला दिया जाता है एंड uh, इसको बेस्ट मेथड माना गया है तो इसमें आ जाता है डिस्पोजल ऑफ द सॉइल्ड ड्रेसिंग रैग्स एंड स्वैप एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड पेपर माउथ स्वैप्स डिस्पोजल ऑफ एनिमल करकेसेज एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तो इन सबको बर्न करके इनको नष्ट कर, कर दिया जाता है यानी कि इसको डिसइनफेक्शन डिसइन्फेक्टेड कर दिया जाता है उसके बाद आता है इसमें हॉट एयर ओवन इट इस रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज वन वन हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर वन टू टू आवर्स इट इज़ यूजफुल इन तो हॉट एयर ओवन में क्या है एक सौ साठ डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर रखा जाता है और एक से दो घंटे का इसमें टाइमिंग होता है स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर टेस्ट ट्यूब, एंड यानी कि इसमें इन सब चीजों का क्या है स्टेलाइजेशन किया जाता है स्टेलाइजेशन ऑफ द पाउडर बॉटल पेप्टल्स एंड फ्लैक्स पेट्रीडिश स्टेलाइजेशन ऑफ गॉज ड्रेसिंग स्टेलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर ऑयली सबस्टांस स्टेजेशन ऑफ स्केजेशन जो है वो हॉट एयर ओवन में किया जाता है उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस आ जाती हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो रखनी चाहिए हॉट एयर ओवन जो यूज करते हुए हॉट एयर ओवन मस्ट बी फिटेड विदाउट फैन टू इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर यानी कि जो ओवन है हॉट एयर ओवन है वो क्या है एकदम से फिट होना चाहिए ताकि उसकी जो हॉट एयर है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए इट शुड बी ओवरलोडेड सॉरी इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड ये ओवरलोडेड uh, नहीं होना चाहिए यानी कि इसके अंदर जो है uh, ज्यादा अमाउंट में ऑब्जेक्ट्स uh, जो है वो नहीं डालने चाहिए देन आर्टिकल मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई यानी कि जो आर्टिकल इसमें हॉट एयर ओवन में डाल रहे हैं वो कंप्लीटली ड्राई यानी कि सूखा हुआ होना चाहिए ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल बिफोर ओपनिंग मीन्स जब इसे ओपन कर रहे हैं यानी कि ओवन को जब ओपन कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही ओपन करना चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है कि किस तरह का हॉट एयर ओवन जो है वो होता है इसके बाद आता है रेडिएशन टाइप ऑफ रेडिएशन अल्ट्रा रेडिएशन एंड ऑनइजिंग रेडिएशन एंड एक्सरे रेज तो ये क्या है सारे रेडिएशन हैं इनके द्वारा भी जो स्टेलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है एंड क्या क्या यूज है इसमें प्रिवेंशन ऑफ सेपरेट ऑफ एयर बोर्न इन्फेक्शन यानी कि जो एयर बोर्न यानी कि जो हवा के द्वारा फैलने वाली जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड सप्रेशन ऑफ द सर्फेस ग्रोइंग मोल्ड्स यानी कि उनके सर्फेस को क्लीन करने के लिए सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन पैक्ड मटेरियल यानी कि जो पैक्ड मटेरियल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आ, आ, उनका स्टेलेशन करने के लिए एंड स्टलेन ऑफ सैचुरस प्लास्टिक ट्यूबिंग एंड डिस्पोजल सरिंच तो सैचुरस हुआ प्लास्टिक ट्यूब्स हुए या फिर डिस्पोजल सरिंच हुए उनका स्टेलेशन करने के लिए अल्ट्रासोनिक रेडिएशन का या फिर रेडिएशन का यूज़ किया जाता है इसके बाद आता है हमारा अल्ट्रासनिक्स दीज आर दकेनिकल वाइब्रेशन इट इज़ यूज इन तो अल्ट्रासोनिक में क्या होता है कि मकैनिकली uh, वाइब्रेशन्स होती हैं जिनके द्वारा जो माइक्रोजम है उनको किल किया जाता है इसमें आता है डि ऑफ बैक्टीरिया यानी कि कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो वाइब्रेशन uh, की जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा नष्ट हो जाते हैं एंड कॉम्बिलेशन ऑफ द प्रोटीन सल्यूशन एंड डिश वॉशर तो इन uh, सभी में जो है वो अल्ट्रासोनिक टेक्निक के द्वारा स्टेलेशन किया जाता है इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल मैथड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी सेप्टिक डिसनफेक्टेंट में क्या जाता है दीज आर दैमिकल सब्सटांस विच किल द बैक्टीरिया यानी कि डिसइनफेक्टेंट uh, में क्या होता है ये केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है एंड एंटीसेप्टिक क्या होता है दीज आर दैमिकल सब्सटांस विच प्रीवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंटी सेप्टिक क्या करते हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को यानी कि बैक्टीरिया को आगे ग्रो नहीं होने देता है डिसइफेक्टेंट क्या करता है उनको किल कर देते हैं लेकिन एंटीसेप्टिक उनको आगे ग्रो नहीं करने देता इसके बाद कॉमनली यूज डिस एंड एंटीसेप्टिक यानी कि जो कॉमनली हर एक पर्सन यूज करता है उनकी लिस्ट बताई गई है इसमें दिया गया है फिनॉयल लाइजोल सेवलॉन डिटोल एंड इनकी स्ट्रेंथ भी बताई गई है एंड इसके यूजेस भी बताए गए हैं है। जैसे कि फिनॉल है इनकी रेशो कितनी होती है आ, वन रेशो हंड्रेड एंड इसका यूज क्यों किया जाता है डिसइनफेक्शन ऑफ द फीकल्स ब्लड पस एंड स्पूटम यानी कि इनका जो है डिसइनफेक्शन करने के लिए इनका यूज किया जाता है एंड उसके बाद इसमें और भी आ जाता है लाइजोल lizo, आ जाता है लाइजोल का भी रेशो सेम होगा एंड इसका यूज क्यों किया जाता है डिसइनफेक्शन ऑफ द क्लोथ एक्सक्रीटा क्लीनिंग ऑफ फ्लोर क्लीनिंग ऑफ द फर्नीचर टेबल सरफेस वॉल एंड रबर गुड़ यानी कि इनके कपड़ों के लिए या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर फ्लोर को क्लीन करने के लिए फर्नीचर को क्लीन करने के लिए लाइजोल का यूज किया जाता है उसके बाद सेवलोन आ जाता है इसका भी रेशियो सेम रहेगा इसके इसका यूज क्यों किया जाता है वाउंड को क्लीन करने के लिए यानी कि आ, किसी भी तरह का स्किन को क्लीन करने के लिए यानी कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट का जो है ऑपरेट होना है या मीन्स ऑपरेशन होना है तो उससे पहले उसको सेवलोन के द्वारा उसको क्लीन कर दिया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो उस स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए या फिर क्लीनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स बिफोर एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए एंड थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए सेवलोन का यूज़ किया जाता है एंड डिटॉल डिटॉल का रेशो होगा वन रेशो एट्टी या फिर वन रेशो फोर्टी तो इसका भी यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो आगे भी काफ़ी इसमें दिए हुए हैं डिसइनफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में इम्पोर्टेंट हेलोजेंस दिए हुए इसमें ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड आयोडीन तो सभी का रेशो भी बताया हुआ है एंड इसके क्या यूज हैं जैसे कि डिसइनफेक्शन ऑफ वाटर डिस इन्फेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ये सारे क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद एल्कोहल आ जाता है इसमें एल्कोहल में आ जाता है स्पिरिट सेवेंटी परसेंट हो जाता है इसमें किस लिए यूज़ किया जाता है इसमें क्लीन वाउंड स्किन प्रिपरेशन uh, के लिए यूज़ किया जाता है क्लीन ऑफ स्किन बिफोर गिविंग इंजेक्शन यानी कि स्किन को क्लीन करने के लिए किसी भी तरह की चोट लगी हो उसको क्लीन करने के लिए या फिर इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन को क्लीन किया जाता है उसके बाद एसिड आ जाता है इसमें बॉरिक एसिड इसमें रेशोभ बताई गई है एंड उसके बाद क्लोरमिक एसिड एल्कलाइंस सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मोलाइन तो ये सभी इनका डिटेल बताया गया है इसमें एंड लास्ट में होगा इसमें सोप एंड डिटर्जेंट इसका यूज़ क्यों जा किया जाता है हैंड वॉशिंग के लिए रिमूवल ऑफ फॉरन मटीरियल फ्रॉम द सॉलिड सरफेस तो ये सारा इसमें बताया गया है तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो निकाल करके आप एक लिस्ट बना लीजिए इसी तरह से एक चार्ट सा बना लीजिए और उसको मेंशन कर दीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही इसके साथ ही हमारा जो स्टेरिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने की तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग